रामविलास पासवान के इस ऐलान के बाद कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब से ही कयासों का बाजार गर्म है कि अगर पासवान नहीं तो फिर कौन। सूत्रों की माने तो हमेशा घर परिवार संभालने वाली रीना पासवान केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जगह पर चुनावी विरासत संभाल सकती हैं। अटकलों का बाजार गर्म है कि रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान ही उनके जगह पर हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल हाल ही में रामविलास पासवान एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां कार्यकर्ता उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाने की मांग करते हुए नजर आए। दरअसल पासवान हाजीपुर पहुंचे थे, उन्होंने रेलवे में यात्री सुविधाओं से जुड़े 21 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उसके बाद हाजीपुर में एक रोड ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सभा में पासवान की पत्नी रीना पासवान को हाजीपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर कार्यकर्ता नारेबाजी करते दिखे। पासवान ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कार्यकर्ता लगातार पासवान के बाद उनकी पत्नी को हाजीपुर के सांसद के लिए लोजपा से उम्मीदवार बनाए जाने की मांग करते दिखे। रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, जिसको लेकर कार्यकर्ता उनकी पत्नी के लिए नारेबाजी करते दिखे। कार्यक्रम में रामविलास पासवान ने कहा कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने और राज्यसभा से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाजीपुर के लिए वो लगातार काम करते रहेंगे। पासवान ने कहा है कि एनडीए के सभी मंत्री उनके अंडर हैं और वो सबसे सीनियर हैं, इसलिए वो जिसको भी कहेंगे वो उनके क्षेत्र का काम जरूर कर देगा। जिससे भी कुछ कहेंगे कर देगा, लेकिन अपने काम फिर है। अभी तो कोई राजनीति से संन्यास तो नहीं ले रहे हैं। अच्छा ऐसा होता था राज्यसभा के सदस्य तो हाजीपुर के लोगों को हमने कुछ फील होने दिया था, कहीं नया काम कर रहे हैं। तो ये जो एक हाँ यार ठीक है। अटकलों का बाजार गर्म है कि पासवान अपनी पारंपरिक सीट नहीं छोड़ना चाहते, ऐसे में वो अपनी पत्नी पर दाव लगा सकते हैं। आपको बता दें कि रामविलास पासवान की शादी रीना शर्मा से 1983 में हुई थी, उस समय रीना एयर होस्टेस थी। कहा जाता है कि हवाई यात्रा के दौरान ही रामविलास पासवान की रीना शर्मा से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।